सुनो, रुको। क्या है, क्या बात है? देखो तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही। अच्छा, शायरन और सिंडी के साथ नए मजे कर रही थी। देखो तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। जानते हो क्या, बहुत हो गया, मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। जानती हो कि वो कितनी महंगी थी। यहाँ पर कोई फोन्स नहीं है, टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं है। हार्ट ऑफ द मैटर कैंप में जुड़ने के लिए आपको बाकी सब चीजों से हटना होगा और अपने रिश्तों को सुधारना होगा। तो अगर आपको यहाँ से सही सलामत निकलना है तो कुदरत की ताकतों का सामना करना होगा और तभी हम समझ पाएंगे कि आपके रिश्तों में कमी क्या है। ये एक आम लड़ाई है, प्यार में ऐसा होता रहता है और यहाँ यही सिखाया जाता है। मुझे वॉलंटियर चाहिए, तुम दोनों कोशिश करो। बहुत बढ़िया, चलो ऊपर जाओ। क्या बात है गाइस, अपनी पूरी एनर्जी डालना, अच्छे से करना, ठीक है? अच्छा कर रही हो, चलो कुछ तो खुशी जाहिर करो। तुम लोग कर सकते हो, शाबाश, वाह, तुम कर सकते हो। आराम से संभल कर। तुम्हारी वजह से ये हिल रहा है। मैं नहीं हिल रहा, मैं हिल नहीं रहा, मैं डरा हुआ हूँ। हिलना बंद करो दोस्तों, देखना चोट ना लगे। मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। तुम ठीक तो हो? अच्छी कोशिश थी, बहुत बढ़िया। अरे क्या हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे। तो बताओ इसकी वजह क्या है? मुझे तो लगता है इनका शरीर इनका साथ नहीं दे रहा है। हमें टार्ज़न जैसे उछल कूद करनी थी क्या? वो कौन है, और कोई बता सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अपने ची पर फोकस करना। अगर अपने नाखून खराब करने हैं तो ठीक है, एक एक करके जाए, एक दूसरे को ढकेले तो फिर हो सकता है। हाँ, पर चैलेंज वो नहीं है ना, चैलेंज ये है कि हमें साथ जाना है, यही मकसद है। और कोई? मैरी, जेम्स, ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। मुझे तुम्हारा जज्बा देखकर अच्छा लगा जेम्स। मैरी, मैं कोशिश करूंगी। चलो ठीक है, फिर आ जाओ। अगर आप ये अकेले करेंगे तो आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। दोनों को मिलकर एक साथ बैलेंस बनाना है, तभी आप लोग इसे कर सकते हैं और तब बनेगा सही संतुलन। अब उतरें। बहुत अच्छे। हमें एक चीज जो बांध कर रखती है वो है प्यार, और हम यहाँ आपको वही सिखाएंगे। हमें भी करना पड़ेगा। हम मतलब तुम और तुम्हारी वाइफ? तुमने कहा हम यहाँ वही सिखाते हैं, मतलब तुम्हारी वाइफ भी होगी? मुझे सीधी बात करना पसंद है। हाँ, मैरी, मैं और मेरी वाइफ। और तुम्हारी वाइफ है कहाँ, बताओगे हमें? ठीक है दोस्तों, अपनी अपनी जोड़ियां बना लीजिए और अगले टास्क के लिए दो सीधी लाइंस बनाकर खड़े हो जाइए। जिम्नास्टिक किया है, अच्छा किया, बहुत बढ़िया मेरी। अब हम करते हैं तुम्हारा जवाब। साथ काम करो, एक दूसरे पर भरोसा रखो, संतुलन ढूंढो। वाह वाह, ये हुई ना बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रैड, रिबेका, सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? क्या तुम सामान प्लेटफॉर्म पर ला सकते हो? मुझे सुजैन और जैक से कुछ बातें करनी है। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्तों, अपने वेट सूट्स पहन लो और 10 मिनट में बीच पर पहुंच जाओ। वहाँ बेकी और ब्रैड तुमसे मिलेंगे। मुझे पता है मैंने कहा था कि इस जगह पानी नहीं मिलेगा, पर शैंपेन की तो कोई बात नहीं हुई थी ना। जो जोड़ी पहले वहाँ पहुँचेगी, शैंपेन उसकी। बेस्ट ऑफ लक। कभी कभी मुस्कुरा भी दिया करो। काफी बड़ी लहर थी है ना? हाँ, हमें उस खाड़ी की तरफ बढ़ना चाहिए। शर्त लगाती हूँ वहीं सब लोग होंगे। तो चलो फिर। ये क्या था? बेकी, ब्रैड, ब्रैड, क्या तुम यह भी करना चाहती हो? बीच पर लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पेपर्स चाहिए विल, उन पर साइन चाहिए। मैंने बताया था कि मैं आ रही हूँ। कैंप के बीच में? अभी तो बस शुरुआत ही है। मुझे तुम्हारी साइन चाहिए बस, और कुछ नहीं। तुम ये बोट रख सकते हो। शुक्रिया, कम से कम तुम में इतनी तो समझ है। क्या कहा तुमने? कंपनी चलाने में मेहनत लगती है। क्या अब तुम्हें ये काम अच्छा नहीं लग रहा? विलियम, अभी ये सब करना जरूरी है क्या? हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी और अब तुम्हारा मन भर गया? ये सब छोड़ने की मेरी अपनी वजह है। याद है हम दोनों ये काम मिलकर किया करते थे? तुम थेरेपिस्ट थी और मैं बाकी का काम संभालता था। कंपनी चलती थी क्योंकि हम दोनों मेहनत करते थे। साफ साफ बताओ, तुम पेपर साइन करोगे या नहीं? कुछ लोग इतनी आसानी से भूल नहीं पाते। वैसे वो सही कह रहा था। देखो, अब उस बिजनेस की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स। इसे तुम रखो, मुझे दो की जरूरत नहीं। तुम रखो, अगर जरूरत हो तो किसी और को दे देना। नहीं दूंगा। ठीक है, संभल कर काम करना, मौसम खराब होने वाला है। बताने के लिए शुक्रिया। मैं कैंप के लोगों को भी इसकी खबर दे दूंगा। तुम अपना वेट सूट नहीं पहनने वाले? पानी काफी ठंडा है। हम सबके लिए चीजें लेने जाना जरूरी है क्या? मुझे इस द्वीप को करीब से जानना है। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। हम यहाँ साथ काम करने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में कुछ अनोखे एक्सपीरियंस हो और यहीं से उसकी शुरुआत होगी। नहीं प्लीज, इस वक्त नहीं। मेरी बात सुनो, यहाँ करीब में ही एक लैब है। वहाँ जानवरों पर तरह तरह के अजीबोगरीब टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और पता है उनके नतीजे भी उतने ही अजीबोगरीब होते हैं। अच्छा, किसी संघीय साइंटिस्ट की तरह? नहीं, वो नहीं, उससे भी ज्यादा खराब। 80 के दशक में उन्होंने जानवरों पर कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। न्यूयॉर्क के पास प्लम आइलैंड जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। वहाँ पर तरह तरह के कोल्ड वॉर एक्सपेरिमेंट्स जानवरों पर किए जाते थे और प्लम आइलैंड इस जगह के सामने कुछ भी नहीं है। जेक, नेट पर पढ़ी हर चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। ओके, मुझे नेट पर नहीं, डार्क नेट पर पता चला। वो सेफ नहीं है जेक। वो सालों पहले बंद हो चुकी है। कोल्ड वॉर के बाद उसे बंद कर दिया गया। हमें जाकर देखना चाहिए। चलो ना प्लीज, हमें बस उस पहाड़ के पास जाना है। और एक बात बता दूं, शिवावा को भी वहीं पर बनाया गया था। तुम लैब में जाओ, मैं जाकर पानी का इंतजाम करती हूँ। मैं सिर्फ हम दोनों का ध्यान रख रही हूँ, हमेशा की तरह। जरा रुको, मुझे अपना वेट सूट तो पहनने दो। जल्दी करो। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ चलते हैं। जानकारी के लिए वो कार सेल्समैन है। हाँ, देख के भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझे लाइन मार रही हो क्या? नहीं, तुमने जिस तरह से कहा कि मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है तो क्या तुम मेरी जिप बंद कर सकते हो? साथ काम करने के लिए कहा गया था ना। मैं काटूंगी नहीं। ओके, अब I'm sorry, ठीक है। क्या शेल्फ से बैग उतार दोगे प्लीज? अगर मेरे बॉयफ्रेंड से बात की तो इतनी कस के जिप लगाऊंगी कि खोलने के लिए प्लास्टिक सर्जन चाहिए होगा। समझ गई ना? पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। फिर तो तुम ही रुको यहाँ पर, मैं नहीं रुकने वाला। हमें यहाँ आए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ऐसे ही हार मान जाओगे? मैं हार नहीं मान रहा, पर मुझे नहीं लगता कि हमें इस थेरेपी से कोई मदद मिलेगी। लगता है मैं डिटेल्स पढ़ना भूल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे खाने के लिए पानी में उतरना होगा। जेम्स, कम से कम एक बार कोशिश तो करो। हमें साथ रहना चाहिए और वक्त बिताना चाहिए। हम दोनों को साथ रहना चाहिए, ना कि इन पागलों के बीच में अजीबोगरीब हरकतें करनी चाहिए। वो जैसे तुम्हें देखता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या? अब तुम इतनी बोली तो नहीं। मुझे पता है उसने तुम्हें क्यों चुना। मुझे यहाँ वहाँ देखने की आदत नहीं है जेम्स, तुम्हें है। तुम यहाँ आना चाहते थे। गलती हो गई, मैंने कोशिश की, पर अब मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें इससे क्या? अच्छी बात है। जानती हो, तुमने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल किया। तुम्हें शहर में होना चाहिए जहां लोग तुम्हारे टैलेंट की कदर करें। हम कुछ बड़ा और बेहतर बनाएंगे। मेरी बात सुन रही हो? ध्यान कहाँ है? हेलो, अरे ये क्या? ये आखिर था क्या? कुछ टकराया क्या? मैंने कहा था हमें द्वीप के इतने करीब नहीं आना चाहिए। ये इलाका चट्टानों से भरा हुआ है। मैं देखती हूँ। कुछ दिखा क्या? नहीं। ठीक है, आराम से चलते हैं। ब्रैड, बेकी, विल बोल रहा हूँ। ओवर। विल। हेलो रिबेका, सुन रही हो? विल। हेलो मैरी। रिबेका, सुन रही हो? विल सुनो, जेम्स यहाँ से जाना चाहता है। हाँ, कभी कभी पहले दिन पर ऐसा होता है। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। ये मेरा आइडिया था, शायद मुझसे ही गलती हो गई। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जेम्स और मैं यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो शायद बात बन जाए। क्या? नहीं, मैं तो तैयार हूँ, पर जेम्स वो नहीं मान रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि हम ये कर पाए। इसलिए तुम उस आर्च पर अकेली चली थी? आर्च पर? हाँ। इसका उससे क्या लेना देना है? तुम दोनों वो काम साथ में कर सकते थे, पर तुमने अकेले ही करने की कोशिश की। तुम मुझे दोष दे रहे हो? हाँ, बिल्कुल। मतलब तुम दोनों को। मान भी लो, हम सब ये इसीलिए तो कर रहे हैं, जिम्मेदारियों को मानने के लिए। वो भी दोनों तरफ से। मैं अकेली चढ़ी क्योंकि मैं कर सकती हूँ और मैं सही हूँ। तुम्हारे लिए सही होना ज्यादा जरूरी है। मुझे अपना पैसा वापस चाहिए विल। हाँ, तुम एक वकील से पंगा लेना चाहते हो? फिर शुरू हो गई। तुम मुझसे मुंह फेर कर जा रहे हो। अच्छा, तो चलो बात करते हैं। शुरू करते हैं झूठी एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि ये जगह वैसी है ही नहीं जैसा कि तुमने अपनी वेबसाइट पर बताया है। क्योंकि वेबसाइट पर जो पिक्चर्स हैं वो हवाई की हैं। ये हवाई नहीं है। तुम्हें पता था कि तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ आते वक्त मैंने तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। देखो, हम तुम्हारी वाइफ सुजान निक्स के लिए आए थे। कहाँ है वो? जवाब दो। ब्रोशर में उसके बारे में बताया गया था और वही देखकर हम यहाँ आए। उसके बिना ये जगह बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जगह कुछ भी नहीं है तुम लोगों के बिना। मैं एक लॉयर हूँ, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं... ठीक है, तुम घर जाना चाहती हो है ना? तुम कल घर जा सकती हो। अब तुम खुश हो? नहीं, मुझे अभी घर जाना है। बस करो मैरी, यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं, तुम्हें अपना पूरा पैसा मिल जाएगा। याद रखो तुम किसी वजह से यहाँ आई थी। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम उस वजह के बारे में सोचो, ठीक है? मिलते हैं। हेलो ब्रैड, रिबेका, तुम लोग सुन रहे हो? हेलो ब्रैड, रिबेका, सुन रहे हो? ब्रैड, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? रिबेका, विल बोल रहा हूँ। अरे जिप लगा दो ना प्लीज। हाँ क्या हुआ? हाँ। अरे जिप क्या? अरे तुम जिप लगा। अरे ये भी गई। हाँ तो हम कल जा रहे हैं, आज जाना मुमकिन नहीं है। बॉयफ्रेंड के साथ कुछ और वक्त बिताना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पानी में नहीं जाओगी क्या? मुझे यकीन है तुम वेट सूट में काफी अच्छी लगोगी। सोचा तो नहीं था, पर अब ऐसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। मैंने जिप लगा ली। अब बहुत हो गया मजाक, जल्दी मुझे जवाब दो। रिबेका सुन रही हो? ब्रैड, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अब ये सब भी होना था यहाँ। यकीन नहीं होता वो शार्क थी। ये बाहा है, ये ग्रेट व्हाइट का इलाका है। एक मिनट, इस बारे में किसे पता था? सभी को ये पता था। इसे पानी में मत जाने दो, ये उनके लिए खाना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमें उस बोट तक पहुंचना होगा। अब वही रास्ता बचा है, पर हमें तैर कर जाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, इस पानी में हम मरने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बोट को यहाँ लाओ। पानी इतना कम है कि मैं बोट को यहाँ नहीं ला सकता, यहाँ चट्टाने हैं, नाव टूट भी सकती है। फिर हम क्या करेंगे? हमें तैरना होगा। मैं इसके साथ हूँ। सुनो 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 सुनो, देखो अब ये करना ही होगा। अगर हम पानी बढ़ने का इंतजार करें तो? नहीं 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 नहीं, प्लेटफॉर्म हम सबका वजन सहन नहीं कर पाएगा। ये इतने लोगों के लिए नहीं बना है। मेरे पास एक प्लान है, पर सबको मिलकर काम करना होगा। मैं तुम्हारे प्लान से थक चुका हूँ। तुम्हें कुछ भी पता नहीं और तुम बॉस बने फिरते हो। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो। मैं जानता हूँ तुम सब गुस्से में हो। ब्रैड मर चुका है और रेबेका भी लापता है। मैं बस तुम सबको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें ये करना ही होगा। जल्दी ऊपर चलो, चलो। मेडे, मेडे, मैं स्वीट वाटर से बोल रहा हूँ। अगर कोई सुन रहा है तो मैं स्वीट वाटर से बोल रहा हूँ। हमें मदद की जरूरत है, प्लीज जल्द से जल्द मदद भेजिए। मेडे, मेडे, मैं स्वीट वाटर से बोल रहा हूँ। रेडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है, हमें एक काम खुद करना होगा। एक बात बताओगे, किसे पता था ये शार्क्स का इलाका है? ये समंदर है, पूरा इलाका शार्क का है। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या कर रहे हैं? यहाँ से चलते क्यों नहीं? रेबेका अब भी वही कहीं है। तो तुम्हें कैसे पता कि वो अब भी जिंदा होगी? हमें ये बात अभी तक नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम उसे ढूंढेंगे और उस शार्क को मार डालेंगे। तुम्हारे पास फ्लेयर गन है? हाँ। मुझे एक शेल दो, मैं उससे बैंग स्टिक बनाऊंगा और उससे शार्क के सर के दो टुकड़े कर दूंगा। एक बैंग स्टिक, एक बैंग ये बैंग स्टिक बनाएगा। इसकी बात सुन रहे हो तुम लोग? तुम सब पागल हो गए हो। देखो लोग मर रहे हैं, तुम जानते हो ना। वो एक बेवकूफ शार्क है, यहाँ के असली शिकारी तो हम हैं। शानदार, क्या बात है, असली शिकारी। चलो काम पे लगता है। अगर तुम इस बोट से गए तो याद रखो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। तुम जो चाहे कर लो, पर ये मेरी बोट है, ये मेरा इलाका है और मैं रेबेका के बिना नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बताओ तुम्हें किस पर ज्यादा भरोसा है, शार्क पर या मुझ पर? बढ़िया, मैं इनका ख्याल रखूंगा। मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मुझे डक टेप चाहिए। हाँ। ठीक है, मैं मैं जाकर ढूंढता हूँ। यहाँ टेप लगा, यहाँ पर। ये हम उसके सर में घुसाएंगे और उसका सर अलग हो जाएगा। चलो रिबेका को ढूंढते हैं। हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। हाँ बैठ सकते हैं और बैठेंगे। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी गंदी चीज नहीं देखी। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बेकी, रिबेका, वहाँ पर। क्या? मुझे पानी में परछाई दिख रही है। हमें रिबेका को ढूंढना है। रिबेका मर चुकी है। शायद वो वहां कहीं है। क्या रहे हो तुम? खाने की दावत दे रहा हूं। ये ला। जैसे ही वो आए उसकी आंख में ये घुसा देना। खाना तैयार है। कर क्या रहे हैं? वो पानी में जा रहा है। वो क्या है? वो कर क्या रहे हैं? लंगर को ऊपर करो। चलो। जो वहां से बाहर निकलो। उन्होंने हमसे यही रहने को कहा था। किसी को तो उनकी मदद करनी होगी। वहां से निकलो जल्दी। चलो जल्दी। चलो चले। तो बताओ कि तुम्हें दावत कैसी लगी, खाना कैसा लगा, बताओ जरा। एक सच्चाई बताऊं तुम्हें, इससे पहले मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। एनजी को शिकार से नफरत है। जरा बताओ कि मेरा हीरो कौन है। पता नहीं, तुम ही बता दो। मेरा हीरो है हेमिंगवे। वो ग्रेट व्हाइट का शिकारी था और मैंने अभी अभी उसका शिकार किया। ड्यूक। ड्यूक। पत्थर है। हमें आगे बढ़ना होगा, हम फंस चुके हैं। हम किनारे से ज्यादा दूर नहीं हैं। क्या लगता है? हो सकता है नाव में छेद हो गया हो। नाव में छेद हो गया? हाँ। गॉड, तुमने उस चीज को देखा? मेरा मतलब तुमने उसे देखा? वो क्या था? कितना खराब था। इससे खराब चीज मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इससे चालू क्यों नहीं कर रही? कुछ भी काम नहीं कर रहा। कोई थरी आ रही है, कोई थरी आ रही है। हमें बोट खाली करनी होगी, पानी कम है, हम आगे नहीं जा सकते। ये क्या बोल रहा है? तुम मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि हम तैरे? किनारा ज्यादा दूर नहीं है। तुम पागल हो गए हो, एकदम पागल। रुके तो यकीनन मारे ही जाएंगे। अगर यहाँ से निकल गए तो शायद बच जाएं। मुझे नहीं पता वो चीज इस वक्त कहाँ है और नहीं पता कि वो कब हमला करेगी। हमें जाना ही होगा, हमें अभी निकलना होगा। घबरा मत। नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो डैफ्नी, अब तुम्हारी बारी। मैं पानी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ड्यूक अभी भी वहाँ है और वो वापस आ सकता है। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो डैफ्नी, अगर तुम इस बोट पर रही तो हम दोनों मारे जाएंगे। अगर हम यहाँ से निकले तो शायद हम बच पाए। तुम कर सकती हो, ड्यूक के लिए तुम्हें करना होगा। चलो। मैं उसका मजाक उड़ाती थी। क्या? मैं ड्यूक का मजाक उड़ाती थी, मैं उसका मजाक उड़ाती थी। उसे कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं लगता था, कभी भी नहीं। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। वो मुझे यहाँ लाया था ताकि हमारे बीच का रिश्ता सुधर सके। मुझे भी मर जाना चाहिए। नहीं, सुनो, पता है डैफ्नी, कभी कभी ऐसा होता है। ड्यूक जानता था कि तुम उससे प्यार करती हो। क्या सच में? हाँ। क्या ये बात उसने तुमसे खुद कही? हाँ, उसने मुझे बताया था। अब हम चलें? ड्यूक के लिए करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है जेक। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारी गलती है। हाँ है। तो तुम गलती मानते हो? हाँ। अच्छी बात है, क्योंकि हम सब तुम पर केस करने वाले हैं। सच में हम सब तुम पर केस करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने जो किया तुम उसके लिए जेल में सड़ने वाले हो, और मैरी हमारा केस लड़े। भूल जाओ इसे, हम असली वकील रखेंगे। क्लाउड्स है, इन घने बादलों के बीच खतरनाक तूफान है जिसमें एक बवंडर भी छिपा हो सकता है। मौसम बहुत जल्दी खराब हो सकता है, पता नहीं अब क्या होगा। ये पूरा द्वीप डूब भी सकता है, या तो ये द्वीप डूब जाएगा या फिर समंदर में बह भी सकता है। तुम्हें कैसे पता? ये मौसम की जानकारी देती है। मैं मीटरोलॉजिस्ट हूँ जेक। अगर इस द्वीप पर पानी भर गया तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें? दक्षिण में एक पुराना वर्ल्ड वॉर 1 का लाइट हाउस है, हम वहाँ जा सकते हैं। हम वहाँ नहीं जाएंगे। तूफान से बचना है तो जाना होगा। लाइट हाउस के लिए हमें तूफान के बीच 40 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। हमें अभी किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। अगर हम कैंप गए तो वो पानी के बहुत करीब है, सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए हमारा वहाँ पहुँचना जरूरी है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम लैब में जा सकते हैं, वो पास में ही है। तुमने कहा था वो फ्लोटिंग डॉग्स पर है, पानी पर। वो 40 सालों से वहाँ पर है, चाहे पानी कितना भी ऊपर उठे वो उसके साथ उठेगा। साथ ही वहाँ रेडियो और हथियार भी होंगे। अगर हमें फिर से उस चीज का सामना करना पड़ा तो वो जगह बर्बाद हो चुकी है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। चलो चलते हैं। जेम्स, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मैं वहां जाऊंगी जहां तुम जाओगे। रेडियो की तलाश करो। इस जगह को बहुत से ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था। तूफान का सामना करने के लिए इससे सुरक्षित जगह नहीं है। चिंता मत करो, हम घंटों तक यहाँ रह सकते हैं। देखो, शायद कुछ मिले। वो बादल धीरे धीरे तूफान में बदल रहा है। फिक्र मत करो, ये लैब 40 सालों से यहाँ है। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये लैब भी ऊपर उठेगी। चिंता मत करो, ये जगह सेफ है। सेफ? ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं लग रही। क्या वहाँ खून देख रहे हो? कोई तो मरा है। हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम लोग को यहां नहीं लाना चाहिए था। डार्कनेट में सब झूठी जानकारी दी जाती है। सब एक नंबर का झूठ है। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या बोल रहा है? ये 40 सालों से यहाँ है। ये ऊपर उठेगा। सब बकवास है। सब एक नंबर का झूठ है। ये चीज हमारी आंखों के सामने टूट जाएगी। मैं ये नहीं कर सकता। तुम ठीक हो? मैं ये नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये जगह 40 सालों से यहाँ है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें, ये जगह जरूर उठेगी। तुमने ही कहा था ना, तुम स्मार्ट हो। ठीक है, तुम सबसे स्मार्ट हो। मैं स्मार्ट हूँ? तुमसे स्मार्ट मैंने किसी को नहीं देखा। समझे? जेक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम पर यकीन है। मुझे पता तुम्हें मुझ पर यकीन है। हमें कुछ नहीं होगा। हम कर लेंगे। हम कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। मुझे लगा हिप्पीज लोग शांत होते हैं। उस चीज के पास एक से ज्यादा सर है। शायद वो यहीं से आई है। शायद यहीं उसे बनाया गया हो। सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये काम करे। काम कर जा। चलो भी। मेडे, मेडे, मैं विलियम निक स्वीट वाटर से बोल रहा हूँ। हम लोग आइल कोरोना में फंसे हुए हैं। तूफान आने वाला है और हमारी जान को खतरा है। एक 6 सर वाली शार्क हमारा शिकार कर रही है। किसी भी तरह से आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे कोई मुझे सुन सकता है प्लीज? कोई फायदा नहीं है। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें पता था ना तूफान आने वाला है? हाँ, मैंने खराब मौसम के बारे में सुना था, पर थोड़ी बहुत बारिश होने वाली थी बस। तो तुम जानते थे? हाँ, मुझे लगा उसके जरिए मैं तुम सबसे एक साथ काम करवा सकता हूँ, पर मैं गलत था। तुम्हें पता है ना कि वो सच में तुम्हें जेल भेजने वाले हैं। मैं फिर भी उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। तुम सच में ऐसा करोगे? हाँ, मैं करूंगा। मैरी, मुझे कुछ मिला है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आओ। वो शार्क यहीं पैदा हुई थी। ये बाहर की खाड़ी देख रहे हो? उस पर यही एक्सपेरिमेंट। देखो, मैंने बताया था ना, उस राक्षस को यहीं बनाया गया है। पर क्यों? क्योंकि शार्क्स के पास खुद के शरीर को मरम्मत करने की अनोखी काबिलियत होती है। ऐसा लगता है कि वो इन जीवों की उसी काबिलियत को एक्सपेरिमेंट के द्वारा इंसानों में डालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शार्क्स 400 से ज्यादा सालों तक जिंदा रहती हैं। ये देखो, अगर इसके अंग को नुकसान पहुंचाया गया और इसे मारा नहीं गया तो ये खुद को ठीक कर लेगी, पर यहाँ ये सिर्फ खुद की मरम्मत नहीं करती, वो पैदा करती है एक नया सर। बिल्कुल सही कहा। और ये चीज 5 बार बुरी तरह से घायल हो चुकी है। इसका मतलब हम सामना कर रहे हैं 6 अलग अलग शार्कों का जो एक ही शरीर में रहती हैं। जब भी इसका सर काटा जाता है उसे वो वापस पैदा करती है। तो उसे मारेंगे कैसे? हमें उसके दिल को निशाना बनाना होगा, उसकी आत्मा को मारना होगा। क्या तुम लोग सच में उसे मारने के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने साइंस मैन की बात नहीं सुनी? इसने कहा वो पैदा कर लेती है। अगर दिल के साथ भी उसने ऐसा ही किया तो? एक आत्मा एक दिल दोस्त, यही इस ब्रह्मांड का कानून है। नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। बिल्कुल, हमें यही रहना होगा। बाहर बहुत खतरा है। उस चीज के पास 6 सर हैं, हमारे पास 8 सर हैं, हम उसे हरा सकते हैं। ये क्या वजह हुई? हाँ। बेवकूफी भरी बात है। तुम्हें ऐसा लगता होगा। बाहर बहुत तेज तूफान आने वाला है और बहुत जल्दी वो बवंडर में बदल जाएगा। हमें अंदर ही रहना चाहिए। शिकार होने से बेहतर है पानी में डूब जाना। मुझे जानवरों को मारना पसंद नहीं, पर उस चीज को मारना जरूरी है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। सुसान बोल रही हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। हाँ सुसान, मैं आइलैंड के पश्चिमी हिस्से की पुरानी लैब में हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। नहीं, यहाँ मत आना। तुम लाइट हाउस जाओ, तुम्हें पता है ना कहाँ है? हाँ हमें पता है, पर तुम जानते हो ना कि वहाँ की लहरें खतरनाक है। हाँ, फिर भी तुम लाइट हाउस जाओ। वे क्या तुम किसी शार्क की बात कर रहे थे? हाँ, 6 सर वाली शार्क। यकीन नहीं होता है ना, पर ये सच है। वो हमारा शिकार कर रही है और हम में से 5 लोग मर चुके हैं। अरे नहीं, क्या तुम सुरक्षित हो? हाँ बिल्कुल। विलियम, मुझे सच बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ। वो आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, तुम बस लाइट हाउस जाओ, वहाँ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुजैन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने साथ जो भी हुआ सब मेरी ही गलती थी। तुमने कोशिश की थी, मुझे पता है तुमने की थी, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस रिश्ते में जो भी हुआ उसके लिए तुम दोषी नहीं हो। मैं तुम्हें अब भी चाहता हूँ। हम जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, जल्दी मिलते हैं। तुम अभी उससे प्यार करती हो? सैक, जल्दी चलो। ये तो बेवकूफी है। वो रहा लाइट हाउस। हमें विलियम के लिए रुकना चाहिए। वक्त नहीं है, जल्दी चलो। चलो आ जाओ मैरी। तुम आ जाओ, जाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ो। तुम ठीक हो? अगर हम जिंदा बचे तो मैं अलग होना चाहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। सच में चलो भी। हाँ, मेरा मतलब शादी बस एक आइडिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसके मायने हो सकते हैं। हाँ, तुम सही हो। चलो, नहीं हमें जाना होगा। नहीं डैफ्नी प्लीज मेरी बात सुनो, चलो हमें जाना होगा। नहीं जेम्स, जेम्स चलो भागो। सब लोग लाइट हाउस जाओ। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने के बावजूद हम जमीन से टकरा सकते हैं। और कोई रास्ता भी नहीं है। ढूंढना होगा, आ जाओ, यहाँ नीचे होगा। संभाल लोगी? मैं संभाल लूंगी। विल, आ रहा हूँ। ड्यूक, ड्यूक मुझे छोड़ के मत जाओ। सब ठीक होगा। डैफ्नी, डैफ्नी तुम वो पर्पल शर्ट पहन सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, किसी भी बात का। देखो ये रहा। मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा सब कुछ जानता हूं। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। यकीन मानो हम दोनों के बीच ऐसा। ये लाइट हाउस कितना पुराना है? क्यों? मुझे ये गैस कैंस मिले हैं। एसिटिलीन? हाँ, इसे रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। लाइट हाउस में जरूरत पड़ेगी। मैं जलाता हूं, तुम इसे लेकर आओ। मैरी, एक इंसान इतने सारे कैंस कैसे उठाएगा? चलो। देखो वो रहा लाइट हाउस। ठीक है, धीरे धीरे हमें बीच के पास ले चलो। बस देखना हम जमीन से न टकरा है। ठीक है। मुझे वहां कुछ दिख रहा है। बोट की तरफ वो क्या बढ़ रहा है? ये क्या है? शार्क ये चक्कर लगा रही है। खींचने की कोशिश कर रही है। डरो मत, इसे मैं संभालती हूँ। क्या नहीं सुजैन, नहीं मुझे गोलियां दो। नहीं, तुम सुजैन को मार दोगे। एक गोली एक शिकार। मुझे गोलियां दो, मदद करने दो। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मैरी, तुम खुद को बचाओ। सैक, जाओ। सैक। हमें पानी से दूर जाना होगा। जहाँ कैंस मिले मुझे वहां ले चलो। मुझे शार्क को पानी से बाहर लाना होगा। तुम सिलेंडर्स को शूट करना। देखना निशाना चूके ना। नहीं चूकेगा। कर पाएंगे? कर लेंगे, मेरा यकीन मानो। हम साथ में निकलेंगे। उसका क्या फायदा? मुझे जेल में वक्त बिताने का कोई शौक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। कम से कम हम जिंदा तो हैं। ज्यादा दूर मत जाना, ये समझ नहीं पाएगी कि हमला किस पर करना है। आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। चलो चलो, थोड़ा पीछे हट जाते हैं। आपके कैंस तक आने का इंतजार तो करो। अभी शूट मत करो। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ? हार मान गई? दिखाओ अपनी ताकत। 1, 2, 3, चल दिखा अपना दम। है हिम्मत तो आगे आना। मैं यहाँ हूँ, आजा। मुझसे डर लग रहा है तुझे? वहीं खड़ी क्यों है? आ गया। बोट चट्टानों से निकल गई है। चलो कैंस निकालते हैं। बोट पर चलते हैं। क्यों नहीं हो रही? मोटर खराब हो चुकी है पर नीचे का डेक सही है, हम निकल सकते हैं। तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, ठीक है। वो वापस आ रही है। मरी नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चलो। हमारा पीछा कर रही है। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो। चलो